बावत्रा में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई में एसडीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। ग्रामीणों ने सड़क शुरू करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। आमजन की समस्याओं, परिवेदनाओं के निवारण, जन सुनवाई एवं तत्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत महीने के प्रथम गुरुवार को सायला उपखंड के ग्राम पंचायत बावत्रा में राजीव गांधी सेवा केंद्र में ग्राम स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिनमें आमजन की परिवेदनाएं प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। एसडीएम सुरेश भान विश्नोई ने आमजन की समस्याओं से रूबरू होकर संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान विद्युत, पेयजल, सड़क सहित विभिन्न कुल 23 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से 8 परिवादों का मौके पर ही निस्तारण कर शेष परिवादों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा आमजन की समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान किया गया। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों ने उपस्थित रहकर अपने अपने विभाग से संबंधित राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को उपलब्ध करवाई, साथ ही विभिन्न योजनाओं से मौके पर लाभान्वित किया गया। जन सुनवाई के दौरान राजस्व, विद्युत, पंचायती राज, स्वास्थ्य, पेयजल सहित विभिन्न विभागों से संबंधित परियोजनाएं प्रस्तुत हुई, जिनमें से विभिन्न परियोजनाओं का मौके पर ही निस्तारण कर शेष परियोजनाएं राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज की गई। इस दौरान तहसीलदार कौशल्या जहांगीर, नायब तहसीलदार महेश दवे, बीडीओ मनमोहन मीणा, बीसीएम और रघुनंदन विश्नोई, विद्युत विभाग के एक्सआईएन गोपाल राम, सीबीओ भवरलाल परमार, सरपंच पार्समल राजपुरोहित, ग्राम विकास अधिकारी राजेश मीणा सहित कई जने मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बंद सड़क को शुरू करवाने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बावत्रा में बंद किए गए सड़क डॉमरीकरण के निर्माण कार्य को पुनः शुरू करवाने को लेकर ग्रामीणों ने जन सुनवाई के दौरान एसडीएम सुरेश भान विश्नोई को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि ग्राम बावत्रा में सायला सेंद्री सड़क मार्ग को जुड़ता प्यऊ का खेजला मार्ग, जो राजस्व 17/23 रेकर्ड खसरा नंबर 767 किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, तथा मौके पर डॉमर सड़क मार्ग भी बना हुआ है, लेकिन बीस रास्ते में केवल मात्र 800 मीटर भूभाग में डॉमरीकरण शेष बाकी रहा था, जो पिछले दिनों विधायक कोष से स्वीकृत हुआ है, जिसका निर्माण ठेकेदार द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन उक्त रास्ते में सरहद पर खातेदारी अराजी के खातेदार द्वारा बाधा उत्पन्न करते हुए सड़क निर्माण कार्य बंद करवाया जा रहा है तथा निर्माण कार्य करने पर उन्हें रोका जा रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग है कि डॉमरीकरण सड़क कार्य का बहाल कर तुरंत सड़क मार्ग को निर्माण करवाया जाए। इस दौरान भवरलाल राजपुरी, सैन सिंह, हिमाराम, जबर सिंह, दयालाल, सुरेश कुमार, बुद्ध सिंह, भैरू सिंह, नरपत सिंह, बाबू सिंह, नरपत देवासी, लेखराज सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। बावतरा दी प्यऊ खेजड़ा मार्ग तो गोतावरस में बेन हालेरी है, अड़ंता जी का बेरा, अड़ंता जी ने बेरा से आगे डमर रोड बना हुआ है और 800 मीटर डमर बाकी है। मतलब एमएलए कोटा दी बजट आयोड़ो है और वो काम अटकीड़ो पड़ी, काम नहीं वह तो गाड़ी आई थी बेवेड़ा गाड़ी आविन की जैसी भी गाड़ी और ठेकेदारी आए तो और वे मारे जाम वाला रोका गिरी है। इसको लेकर आपने अधिकारियों को ज्ञापन वगैरह दिया था? एसडीएम साहब को आगे ज्ञापन दिया है, एक महीना हो गया 14 तारीख, अभी तक कोई शुरू नहीं है और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, पर आज हमने जन सुनवाई में कलेक्टर के नाम को ज्ञापन दिया। ये कितने बेरों का मार्ग है? 300 बेरों का मार्ग।